उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एनसी का गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर अनेक बड़े सवाल खड़े करता है। मैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछना चाहूंगा कि क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर के लिए फिर से अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करती है। इंडी गठबंधन की जो नेतृत्व कर रही है कांग्रेस ने अब्दुल्ला एंड सन्स फैमिली प्राइवेट लिमिटेड की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। इसमें अनेक ऐसे बिंदु हैं जो भारत की एकता, भारत की अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति पूरे देश को आशंकित करती है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के अनेक बड़े सवाल खड़ा करता है और भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने वाले हर व्यक्ति को चिंतित भी करती है। मैं कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करती है। क्या कांग्रेस धारा 370 और अनुच्छेद 35 ए को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने की एनसी की घोषणा का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पाकिस्तान के साथ एलओसी ट्रेड शुरू करने का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35 ए को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववादी ताकतों का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ एलओसी ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम को पोषण करने का समर्थन करती है? इस गठबंधन से कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा भी सबके सामने आया है। क्या कांग्रेस दलितों, गुज्जरों और पहाड़ियों के आरक्षणों को समाप्त कर उनके साथ अन्याय करने के एनसी के फैसले का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल उन उपद्रवियों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है? इस गठबंधन से कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा भी देश के सामने आया है। क्या कांग्रेस दलितों, गुजरों, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याय करने के लिए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत, तख्तीय सुलेमान और हरि पर्वत कोहे मारन के नाम से जाने जाएं? क्या
कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंककर पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों के हाथों में सौंपने का समर्थन करती है।